राम राम, नमस्कार, सुप्रभात, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में, और मेरा नाम है अभिषेक के शर्मा। आज है 3 सिद्ध पर 2024, दिन है मंगलवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं, वो सभी एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों का एक क्विज़ है, जो कि है पढ़ो और जीतो रोज 100 इनाम, यानी कि 100 जने डेली जो है इस क्विज़ में जीत सकते हैं। क्विज़ खेलने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, या इस नंबर पर आप बैल कर सकते हैं। स्कैन नहीं होता है तो मैसेज में एक लिंक आएगा, उस लिंक को आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। डेली जो है आप उस लिंक से खेल सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे टर्म कंडीशंस को एग्री करने के बाद, फिर 2 क्वेश्चंस हैं, आंसर सबमिट करके आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। हजारों लाखों जने डेली खेलते हैं, तो लकी ड्रॉ माध्यम से विजेता चुने जाते हैं 100 डेली, और विजेताओं के नाम जो हैं एक दिन के गैप पर आते हैं। जैसे आज वाले परसों आएंगे, परसों वाले आज आए हैं, कल वाले कल आएंगे, इस तरीके से। तो जो परसों क्विज़ खेले थे, यानी कि क्विज़ नंबर 50 आज 52 है, उस दिन के विजेताओं को स्मार्ट वॉच मिली है। अभी मैं आपको नाम दिखाऊंगा, जो आज खेल रहे हैं उनको ट्रॉली बैग मिला है, मिलेगा। ये 2 प्रश्न हैं आज के। पहला है कि पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड किसने दिलाया। तो जैसे कि आप जानते हैं, अभी पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं, अभी पैरालंपिक चल रहे हैं, यानी कि जिनके अंग ठीक से नहीं होते हैं तो उनके लिए होते हैं ये पैरालंपिक। उससे पहले दूसरे वाले हुए थे, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड किसने दिलवाया। ए योगेश कथुनिया, बी नितेश कुमार। तो बहुत गर्व की बात है, और इनको सैल्यूट है समस्त भारतवासियों की ओर से, और समस्त हमारे खिलाड़ियों को, जिन्होंने भी दिलवाया, जिन्होंने नहीं दिलवाया, सभी को, हम सभी को जो है आप पर गर्व है कि आप जो है भारत के लिए मेडल लेके आए। तो ये हैं नितेश कुमार जी, जो कि बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने भारत को दूसरा गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक दिलवाया है, ऑप्शन बी। अभी थोड़ा और बताऊंगा इसको, इसके बारे में, प्रश्न के बारे में। यदि आपको जीके अच्छी करनी हो तो आप सुन सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा है कि मुंबई में कौन से गणपति का 400 करोड़ रुपए का बीमा है। सोचिए, गणेश जी का बीमा 400 करोड़ का, कितनी बड़ी बात है। ए GSB सेवा मंडल, बी लालबाग का राजा। तो जैसे कि आप जानते हैं, अभी 10 दिन का उत्सव आता है, गणेश जी से जुड़ा हुआ होता है, उसके बाद जो है पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं, फिर नवदुर्गे आते हैं, 10वें दिन दशहरा, उसके 20 दिन बाद दीपावली। तो ये वही पर्व की बात हो रही है, उसमें हमारे गणपति जी का जो है बीमा हुआ है, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, आप सुनेंगे बहुत आश्चर्य होगा, मैं बताऊंगा आपको। पहले जो है मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। ये बात है हमारे, पहले तो दोनों जगह के गणपति जी को प्रणाम नमन, मेरा पूरे शिव परिवार जी को प्रणाम नमन। और ये बात है GSB, जी से गौड, एस से सारस्वत, बी से ब्राह्मण, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, ये होते हैं GSB। तो ये GSB सेवा मंडल के हमारे गणपति जी हैं, जिनकी ये बात हो रही है। तो पहले वाले का ऑप्शन बी है नितेश कुमार, दूसरे वाले का ऑप्शन ए है GSB सेवा मंडल, ठीक है। ये करके आप सबमिट कर देंगे, लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। अब जो है मैं आपको आपकी जीके और अच्छे करने के लिए, जो कि आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेगी, ऑफलाइन क्विज की तैयारी में हेल्प करेगी, साथ ही कौन बनेगा करोड़पति में आप जाना चाहते हैं, मुंबई हॉट सीट पर बैठ के अमिताभ जी के साथ एक कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, तो अवश्य सुना करिए पूरा वीडियो, उससे डेफिनेटली आपकी जीके बहुत इंप्रूव, बहुत गेन होगी। पहले जो है 4 दिन में 7 मेडल जीते थे, सोमवार को 1 दिन में 7 पदक जीत लिए, ठीक है, जिसमें 2 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं, 2 कांस्य हैं। एक सुमित जी हैं, उनको स्वर्ण पदक मिला है जेवलिन में। बैडमिंटन में कुल 4 मेडल मिले हैं, जिसमें से 2 जो हैं रजत के हैं, यानी कि चांदी के हैं, जिसमें योगेश कथुनिया हैं, इनको रजत पदक मिला है, किसमें, जो आप पहले ऑप्शन में देख पा रहे हैं, इनको डिस्कस थ्रो में रजत मिला है। यदि यहाँ पर प्रश्न में होता कि सिल्वर मेडल किसको मिला है, तो वो योगेश कथुनिया को मिला है, किसमें, डिस्कस थ्रो में। फिर है अगली तुलसी माथी जी, इनको भी
रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल मिला है किस में, बैडमिंटन में। सुहास को भी बैडमिंटन में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक मिला है, रजत पदक। 6 मेडल जो है सिंगल्स ने जीते हैं और 1 पदक जो है टीम ने जीता यानी कि दो जने मिलके जो खेलते हैं, जिसमें राकेश कुमार और शीतल देवी जी को कांस्य पदक मिला है किस में, तीरंदाजी में। फिर मनीषा रामदास जी को कांस्य पदक मिला है किस में, बैडमिंटन में। तो ये सारे इस तरीके से मेडल मिले हैं, तो इस तरीके से डिटेल में स्टडी करा करिए। अब बात करते हैं हमारे गणेश जी की, तो सबसे अमीर गणेश जी हैं, 400 करोड़ का बीमा है, ठीक है, इससे और अधिक क्या है, 69 किलो से ज़्यादा यानी कि 69 किलो से ज़्यादा सोने के आभूषण इनको चढ़ाए जाएंगे, अर्पित किए जाएंगे। रोज़ प्रतिदिन 7,000 हवन होंगे, 20,000 को भोजन कराया जाएगा और QR कोड से एंट्री होगी, ये बहुत अच्छी बात है। और 555 रुपये की सबसे छोटी और 7 लाख की सबसे बड़ी पूजा होगी, और 3 विशेष वहाँ पर परंपराएं भी होंगी, जिसमें एक तुलाभार होता है जिसमें मूर्ति के सामने दो बड़े तराजू लगाते हैं, लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर अपने वजन के बराबर जब वो पूरी हो जाती है खास सामग्री जो है पंडाल को भेंट करते हैं और बाद में इसी से जो है खाना बनता है। अब तक ऑलरेडी 4,000 बुकिंग हो चुकी हैं। फिर भंडारे की बात करें, दूसरी परंपरा, 4,000 कार्यकर्ता और 16,000 से ज़्यादा भक्त रोज़ प्रतिदिन नाश्ता, लंच और डिनर करते हैं, जिसको 100 लोग बनाते हैं और 1200 लोग परोसते हैं। 1500 किलो चावल हो गए इसमें और 1800 लीटर रसम जो एक खाने की चीज़ होती है वो रोज़ बनती है प्रतिदिन। तीसरी परंपरा, मध स्थान यानी कि भंडारे में लोगों को केले के पत्ते पर खाना परोसा जाता है और बाद में इन पर जो झूठन बसता है उस पर मन्नत वाले लोग लेटते हुए आगे बढ़ते हैं। सोचिए, जो मन्नत मांगते हैं वो उसी झूठन पे लेटते हुए आगे बढ़ते हैं और वो इसे अनगिनत आशीर्वाद मानते हैं, क्योंकि अन्न जो है ना उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जिनको नहीं मिला है उनसे पूछिए, बहुत से लोगों को मिला है तो वो उसको बर्बाद करते हैं, फेंकते हैं, तो जितना भूखे उतना लें, कम लगे तो और ले लें, लेकिन झूठन ना छोड़ें और फेंके नहीं, और अपनी झूठन जो है गौ माता को, कुत्ते को ना खिलाएं। इनके लिए तो घर की सबसे पहली 3 रोटियां बनती हैं, जिसमें 1 रोटी गाय की होती है, 1 जो है वो श्वान की यानी कुत्ते की होती है, 3 कौए की होती है। कोई नहीं 3 बना सकता तो एक बड़ी सी बनाए, आधी गौ माता की, आधी की आधी कुत्ते की, आधी की आधी कौए की। प्रतिदिन जो ये देगा ना, 1 साल करके देख ले, उसके घर में जो भी परेशानियाँ होंगी ना, मानसिक शारीरिक आर्थिक कोई भी कष्ट होगा वो दूर हो जाएगा। तो नहा धो के बनती है रोटी सबसे पहली, उस समय नहीं दे पा रहे हैं तो अलग साफ जगह पर रख दें, बाद में दे दें, अपने खाने पीने बाद भी दे सकते हैं, सबसे पहले दे दें तो बहुत अच्छा, वरना बाद में दे सकते हैं, पर बनाएं सबसे पहली। 1 साल करके देख लें, जिनके घर में भी बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, 1 साल बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन झूठन नहीं खिलानी चाहिए इनको, मतलब डाल दो बाहर, बुला के मत दो के आओ गैया आओ खाओ, ये कुत्ते को बुला के डालते हैं, ऐसे डाल दो बस, जो खाए खा लेगा, उसमें पाप नहीं लगता। पर जो बुला के झूठन खिलाता है, क्योंकि हमारी गौ माता में हमारे सभी देवी देवता का वास होता है, तो इसलिए जो है उनको झूठन नहीं खिलानी चाहिए, बहुत पाप लगता है। उनकी पूजा के कारण ही ये कलयुग 60 साल देर से आया था, और उनकी भक्ति सेवा ही व्यक्ति को जो है स्वर्ग नरक पहुँचा सकती है। अगर जो नहीं करता, अपमान करता है तो नरक, और जो उनकी सेवा करता है भक्ति भाव से वो सीधा स्वर्ग। और बहुत सारे कष्ट हरते हैं, आप करके देखिए, 6 महीने 1 साल बाद पे कमेंट करके बताइएगा। तो अब बात करते हैं इनकी, ये हैं कहाँ पर गणेश जी, तो मुंबई के वडाला में, क्योंकि लाल बाग चौके तो बहुत फेमस हैं ही है ना, उनकी प्रसिद्धि दुनिया भर में है। लेकिन ये एक और हैं जो कि अपने विशेष पूजा विधान, अपने करोड़ों रुपए की दौलत, करोड़ों रुपए के बीमा, अपने पंडाल व्यवस्था और परंपरा जो मैंने अभी आपको बताई थी उनके कारण प्रसिद्ध हैं। मुंबई में वडाला है, वहाँ पर किंग्स सर्कल है, उसके पास में GSB सेवा मंडल यानी कि गौड़ सारस्वत ब्राह्मण सेवा मंडल है, वहाँ के महागणपति हैं जिनकी ये सब बात हो रही थी। और इस बार जो है गणपति मूर्ति को जो है 69.400 यानी कि 69,400 किलो 22 कैरेट सोने और 336 किलो 336 किलो चांदी के आभूषण पहनाए जाएंगे। और सोना जो है 2023 से यानी कि पिछले वर्ष से 400 ग्राम ज़्यादा है। और यहाँ पर पंडाल का बीमा किया गया है, क्योंकि आवश्यक भी है, बीमा होना चाहिए।
और जो गणपति का मंच है उसके ठीक सामने 25 फीट दूर दो बड़े हवन कुंड बनाए गए हैं, जो कि 7 सितंबर से 5 दिन तक रोज़ 7000 हवन होंगे और सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलेंगे। और बाकी पंडाल की मैंने पूजा की आपको बताई, सबसे कम वाली 555 की है, सबसे बड़ी 7 लाख की होती है। 7 लाख रुपये में 6 पूजाएँ होती हैं। पूरा पंडाल जो है फायर प्रूफ है और 5 दिन का किराया जो है 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। और जो दर्शन करने आएंगे उनको पहले जो इनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद यहाँ QR कोड मिलता है, स्कैन करने के बाद उसके बाद ही एंट्री मिलती है। और इनके जो है 3,500 से 4,000 रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं जो 5 दिन से नारंगी रंग की धोती पहनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुझे लगता है आपको सुन के बहुत अच्छा लगा होगा और आपको GK भी आपकी और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। साथ ही आप ये किसी को बताएंगे भी तो भी अच्छा लगेगा, बाद में जो भी सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। मुझे तो खैर बहुत आश्चर्य हुआ, अच्छा भी बहुत लगा। अब जो है मैं आपको विजेताओं के नाम दिखा देता हूँ। आपके यदि बच्चे हैं 8 से 15 साल के बीच में तो KBC जूनियर में भेजिए, बहुत बच्चे वहाँ जाके लखपति करोड़पति बन के आएँ। और हमारे चैनल से एक और विजेता बन गए हैं, आप पहले नंबर पर नाम देख पा रहे हैं, पायल विजय राजस्थान से 79641। वॉशिंग मशीन जिनको मिली है, कल ही मैंने आपको नाम बताया था, ये विजेता बन गए, अभी मैं आपको दिखाऊँगा। और ये पहले इलेक्ट्रिक केटल जीत चुके हैं, मिल्टन बॉक्स टिफ़िन बॉक्स मिलता है आपको, इसको इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये ईयरबड्स मिलते हैं, ये सभी जो है आपको प्राइजेस मिलते हैं। 100 डेली इनाम में ये हैं, 5 मंथली इनाम में 2 व्हीलर और 5 वीकली इनाम में ये, तो ये सभी इसमें आपको प्राइज मिलते हैं। अब विजेताओं के नाम दिखा देता हूँ, देखिए ये अभी मैंने आपको नाम दिखाया था पायल विजय, तो ये कमेंट है, वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें कमेंट में है कि प्राइस नाम आ गया है, मिलेगा कैसे, तो ये मेरा कमेंट है। फिर देखिए इन्होंने बताया है कि पायल विजय 79641 जो मैंने आपको दिखाया था अभी, तो ये आप जो है पढ़ लीजिएगा आराम से। और हम इनको बधाई शुभकामनाएं, वॉशिंग मशीन मिली है, बहुत बड़ा प्राइस है, भारी प्राइस भी है सोचिए। और पहले भी काफ़ी लोग जीते हैं, मैं पहले से बताता आ रहा हूं और आगे भी डेफिनेटली लोग जीतेंगे हमारे चैनल से, काफ़ी लंबे समय से जीतते आ रहे हैं और मैं जो टिप्स ट्रिक्स आइडियाज़ देता हूं उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जीतते हैं। और लक बहुत मैटर करता है, बातें फॉलो करेंगे क्योंकि हर रूल गेम के अपने रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन होती हैं, उसको फॉलो करना होता है ना उसके लिए, और फिर जो कोई बता रहा है उसको मानना होता है, तभी तो फिर हम जीत सकते हैं। तो 50वां क्विज के स्मार्ट वॉच के विजेताओं के ये नाम हैं और ये आखिर के मोबाइल के 5 अंक होते हैं, तो 100 नाम नंबर हैं, एक एक पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप जो है वीडियो रोक के स्किप करके अपनी सुविधा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग राज्य के नाम हैं तो मैं चाहता हूँ उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप जो है जिस राज्य के हों तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो है राजस्थान के विजेताओं के नाम देखेंगे आपको, फिर गुजरात के देखेंगे, गुजरात के बाद फिर मध्य प्रदेश के, राजस्थान के विजेताओं के नाम कम हो गए हैं और गुजरात के भी कम हुए हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर बिहार, झारखंड, पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन सभी को जो है दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई और इनको जो है दैनिक भास्कर टीम द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखें। और छोटे प्राइस जो है कोरियर से घर पहुंचा दिए जाते हैं और बड़े प्राइस के लिए आपको दैनिक भास्कर बता देंगे कि पास के दैनिक भास्कर ऑफिस से आपको लेना है या कैसे आपको मिलेगा, तो अपने जो है फ़ोन का ध्यान रखना है आप। बाकी अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करें, इसलिए आपको डिटेल में बताता हूं, जिससे आपकी GK अच्छी हो और आप मेहनत से जो है और क्विजेज में जीत सकें, क्योंकि ऑफलाइन क्विज होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गए है ना, KBC हो गया, उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, केवल आपका ज्ञान, तो इसलिए अपने जनरल नॉलेज अच्छी करिए। और बाकी विजेताओं के नाम देखने हैं पिछले, तो चैनल पर आपको मिल जाएंगे सभी वीडियो एक नंबर से लेकर अब तक के, और कुछ के भी वीडियो मिलेंगे जिनसे आप अपनी GK अच्छी कर सकते हैं, साथ ही लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो खेलते रहें, जीतते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा, आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीख मिलते हैं नए वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, नमस्ते, शुभ दिन, जय सिया राम, आप सभी को राम राम, और सिया राम जी की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे।
क्विज़ की टाइमिंग रात में 12 बजे तक है, तो 11:59 तक आप कभी भी खेल लें। जल्दी खेलने से कोई बेनिफिट नहीं है, लेट खेलने से कोई लॉस नहीं है। टाइम पीरियड होता है उसमें खेलें, चांसेस बढ़ाने के लिए कई सारे नंबर से खेलें, डेली खेलें, अलग अलग समय पर खेलें। ठीक है, नमस्ते, शुभ दिन।